तो प्रचार प्रसार के लिए आपके पास एक एक गांव वाले की सूची होती है। यह वैक्सीन यह गांव देहात में नहीं पहुंच पा रही, नहीं जी सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। मैं सवाल राजनीतिक पूछ ही नहीं रहा हूं, यह पढ़े लिखे लोगों के जनप्रतिनिधियों के बयान नहीं हो सकते, इन सभी को खारिज करना चाहिए ना। पोस्टर लगाने में कोई गुनाह नहीं था, दरअसल वो संक्रमण फैला सकते थे इसीलिए गिरफ्तार किए गए। आप ये कह रहे हैं नहीं सरकार आलोचना सुन नहीं पा रही है क्या? आलोचना करना गुनाह हो गया। नेशनल तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत सलाह दे रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत सलाह दे रहा है। पराजित देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना है और कोरोना महामारी से लोगों की परेशानी साफ देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया एंकर भले ही ज्यादा डिबेट ना कर रहे हों, पर कुछ मीडिया एंकर्स इस मुद्दे पर लगातार डिबेट कर रहे हैं। इस वीडियो में बात संदीप चौधरी की करेंगे और उनकी कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने कोरोना महामारी के मुद्दे पर भाजपा नेताओं से सवाल किए। न्यूज 24 पर गांव में वैक्सीन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से गांवों में वैक्सीन ना लगने को लेकर सवाल किया, जिस पर नेता आंकड़े बताने लगे, पर संदीप ने बीच में टोका और सही से जवाब देने को कहा। देखिए गांव देहात में जहां तक बिहार की बात है संदीप जी, मैं बताना चाहता हूं कि नवादा, नालंदा, मोकामा, बाढ़, वहां पे जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा कि आशा वर्कर्स को देखिए उनको देखिए अब फिगर तो बिहार का जो है, बिहार का लेटेस्ट फिगर है लगभग 88 लाख का। नहीं नहीं बिहार का मुझे मालूम है, गांव देहात में कितने वैक्सीन लगे? नहीं ये बाइफर्केशन तो अभी होना आवश्यक है, ये नहीं हो रही ना, ये मानेंगे ना आप बात? नहीं ये जिला का है, जिला का डेटा उपलब्ध है। मैं राजनीतिक बहस में नहीं घुस रहा हूं, पर एक राजनीतिक टूल किट की बात करता हूं। चुनाव लड़ते हैं ना सारे राजनीतिक दल, तो प्रचार प्रसार के लिए आपके पास एक एक गांव वाले की सूची होती है। पन्ना प्रमुख और ना जाने कितने कितने प्रमुख, ब्लॉक लेवल, पन्ना लेवल, मोहल्ला में एक एक चीज। ये वैक्सीन ये गांव देहात में नहीं पहुंच पा रही, नहीं जी सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। चुनाव में कभी ओवरलोड नहीं होता ये सिस्टम। न्यूज 24 पर भाजपा के नेता द्वारा दिए गए बयानों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में जब सवाल संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से पूछे तो पहले तो वे इस मुद्दे पर राजनीति करने लगे, पर संदीप के टोकने के बाद भाजपा नेता ने इसे स्वीकार कर लिया। तो गौरव भाटिया, वैज्ञानिक आधार पर हम खत्म करेंगे कोरोना को या ये गोमूत्र गोबर से? तो नेता हर पार्टी में है, ऐसी भी पार्टी है जिनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा था एक व्यक्ति विशेष का मूत्र पीने के लिए भी कहेंगे तो हम पिएंगे। दोनों तरफ मैंने इसीलिए कहा कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं इनके इन भ्रांतियों को तत्काल हमें दबा देना चाहिए, इन्हें खारिज करना चाहिए। जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, एक एक बयान उनका बहुत अहमियत रखता है। और आपने बिल्कुल सही बात बताई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का टीका है, क्या टीका भी भेदभाव करता है? मैं सवाल राजनीतिक पूछ ही नहीं रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों के जनप्रतिनिधियों के बयान नहीं हो सकते, इन सभी को खारिज करना चाहिए ना। तो मैं तो कहता हूं ये गलत है और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों से बिल्कुल सही बात करता हूं, ये जरूरी है। न्यूज 24 पर पोस्टर लगाकर सरकार से सवाल पूछने के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता से पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सवाल किए, जिस पर नेता ने विपक्ष पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, लेकिन एंकर ने ऐसा करने से भाजपा नेता को रोका। पोस्टर लगाने में कोई गुनाह नहीं था, दरअसल वो संक्रमण फैला सकते थे इसीलिए गिरफ्तार किए गए। आप ये कह रहे हैं एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात, दूसरी बात गिरफ्तार उनको लाया गया, उसमें तहकीकात की गई, छोड़ दिया गया। अब दूसरी पार्टी देखिए कांग्रेस, एक तो आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, महामारी के समय में भी राजनीति उनको दिख रहा है, दिल्ली पुलिस भी खड़ी है, बड़ी तत्परता दिखा रही है। नवनीत कालरा गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, पर ये लोग जरूर गिरफ्तार हो गए, ये चिन्हित भी हो गए। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको हवा दे और पैसा खर्चा करे, वादे करे और उस पर इस तरह की चीज महामारी के समय करे, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने ट्विटर हैंडल पर रख के राजनीति रचाए। नहीं सरकार आलोचना सुन नहीं पा रही है क्या? आलोचना करना गुनाह हो गया। आप सो पाते हैं कि बिना आलोचना की सरकार की नहीं करते? नहीं मैंने तो कार्यक्रम किया, मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या दिल्ली पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करेगी। मैंने कार्यक्रम किया था कि ये वैक्सीन 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन निर्यात क्यों की गई जबकि देश में वैक्सीन की जरूरत थी, ये सवाल तो मैंने भी पूछा था। लॉकडाउन के मुद्दे पर एक डिबेट न्यूज 24 पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने बिजली नेता से संपूर्ण लॉकडाउन की मांग को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर नेता सरकार की तारीफ करते ही नजर आए।
पर एंकर ने भाजपा नेता को अपने तीखे सवालों में घेर लिया। अपराजिता सारंगी, सब एक्सपर्ट्स की राय ये है कि चेन को ब्रेक करना होगा, एक संपूर्ण लॉकडाउन की दरकार है इस वक्त, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहां के मुख्य होते हैं। इन्हें किसने मना किया कि सख्ती के साथ, दृढ़ता के साथ एनफोर्समेंट अपने राज्य में न करें? अपराजिता, देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? के साथ चर्चा कर चुके हैं, मेरी बात सुने आप जी? हाँ। संयम रखें, अभी संयम की जरूरत है। नहीं, संयम ही रख रहा है आम आदमी तो, और क्या कर रहा है? मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने चार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा था कि माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन्स करो और जहां जहां जिस राज्य में इसकी जरूरत है आप लोग करें। नेशनल तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गलत सलाह दे रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को गलत सलाह दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप आगे भी इसी तरह भाजपा नेताओं से जरूरी मुद्दों पर सवाल करते रहेंगे। उम्मीद तो हम गोदी मीडिया से भी करते हैं कि वे चाटुकारिता छोड़कर जरूरी मुद्दों पर भाजपा नेताओं से सवाल करने शुरू करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।